तो हाय गाइस, मैं अभी एक पॉन्ड के किनारे हूँ और यहाँ पर मेरे सामने ये ड्राइंग का बुक रखा हुआ है और मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। इसमें मैंने एक डूडल बनाया है जो कि बम्बई के ऊपर लोकेटेड है, ठीक है। अब इसे बनाने के लिए मैंने A5 साइज़ की डायरी का इस्तेमाल किया है। अब आपके मन में सवाल होगा कि मैं इसे बाहर क्यों दिखा रहा हूँ। रीज़न ये है ना कि देखो, यहाँ पर से मुझे नेचुरल लाइट्स मिल रही है और नेचुरल लाइट में ना सब कुछ क्लियर एंड क्रिस्टल दिखाई देगा, मतलब कोई भी ऐसा ना एडिटिंग वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। और मैं अभी इस डूडल को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और एक्सप्लेन करके बताऊँगा, लेकिन एक्सप्लेन करने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैंने आपके लिए एक WIP वीडियो बनाई है, वो आप पहले देख लो, ठीक है। डूडल बनाने के लिए मैंने वाटर कलर का इस्तेमाल किया है, साथ ही साथ मैंने टेम्परा कलर का भी इस्तेमाल किया है। तो मैं अब आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ कि आखिरकार मैंने इसमें क्या क्या बनाया है, ठीक है। तो यार, डूडल की शुरुआत मैंने गणेश जी के साथ किया है। गणेश जी यानी कि सिद्धि विनायक मंदिर, जो बम्बई में बहुत ज़्यादा फेमस है, साथ ही साथ वहाँ पर गणेश विसर्जन काफ़ी फेमस है। इससे बगल में आप देख सकते हो, ये है छत्रपति शिवाजी महाराज की पोर्ट्रेट, जो कि मुंबई में काफ़ी पॉपुलर है, ना सिर्फ मुंबई में, पूरे के पूरे महाराष्ट्र, पूरे इंडिया में फेमस है। और उसके बगल में आप देख सकते हो, ये फोर्ट है मराठा किंगडम के बारे में ये दर्शा रहा है, ठीक है। अब इसके बगल में आप देखो, सबसे नीचे में यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है ताज होटल, काफ़ी लोग इसे ताज होटल कहते हैं और इसका नाम है ताज महल पैलेस। और यहाँ पर मैंने एक डेट को भी मेंशन किया है, ये है 26/11, जो काफ़ी एक पूरा दिन था, मतलब कि टेरिस वालों ने हमला किया था। इसके नीचे मैं बात करूँ तो यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा एक जगह है, हाजी अली का दरगाह, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा पानी की बूंद दिखाई है, क्योंकि हाजी अली दरगाह पानी के बीचों बीच में होता है, मतलब समुद्र के पास है, ठीक है। इससे बगल में ये बहुत ही फेमस एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। आपने वो रावण की मूवी देखी होगी जिसमें शाहरुख खान होता है। और इस बिल्डिंग से बाहर यहाँ से कुछ टूटता हुआ एक ट्रेन आता है जिसको शाहरुख खान ट्राई करता है रोकने का, ठीक है। तो आपने वो मूवी देखा होगा तो इस बिल्डिंग के बारे में आपको पता ही होगा। अब हम बात कर रहे हैं ट्रेन की, तो ट्रेन की बात कर रहे हैं तो हम मुंबई लोकल्स को भी बात करना चाहेंगे। तो ये मुंबई लोकल्स है। अब देखो, मुंबई लोकल्स आपने नोटिस किया होगा, मुंबई की लाइफ लाइन है यार। अब दूसरी बात यहाँ पर नोटिस करना ना, ये मैं मुंबई लोकल्स की जो पीछे जो डायग्राम देख रहे हो ना, इसे मैंने बड़ा पाव, जो कि मुंबई में काफ़ी फेमस है, उसके स्मेल के साथ मैंने कनेक्ट किया है। और ये मुंबई लोकल का जो आप केबल देख रहे हो ना, इस केबल को मैंने आगे बढ़ाया और इसे मैंने रास्ता बना दिया ताकि आप इस इंसान को कनेक्ट कर सको। अब ये और कोई नहीं, मुंबई का फेमस मुंबई डब्बेवाला है। मुंबई डब्बेवाला के बारे में आप जानते ही होंगे कि यार देखो, जोमेटो आ चुका है, स्विगी आ चुका है, लेकिन मुंबई में ना डब्बे वाले बहुत साल से बिजनेस कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। अब इसके बाद मैं बात करूं कि मुंबई की सबसे फेमस चीज़, तो ये है यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया। इसके बारे में तो सभी कोई जानते होंगे। अब गेटवे ऑफ इंडिया से नीचे आए तो बॉलीवुड, काफ़ी लोग सपने बनाने के लिए जाते हैं बॉलीवुड, और मुंबई का नाम ही होता है फिल्मों के लिए, तो यहाँ पर मैंने बॉलीवुड बनाया है। और देखो, इस कैमरा के ट्राइपॉड से मैंने यहाँ पर एक पुल का ब्रिज बनाया, और ये कोई आम ब्रिज नहीं है, ये है बांड्रा बर्ली सीलिंग, जो कि काफ़ी आइकॉनिक ब्रिज है मुंबई में, ठीक है। और इसके ट्राइपॉड से मैंने इसको मुंबई लिख दिया है। तो कैसा लगा आपको ये मेरा डूडल? और आई थिंक सबसे आखिरी में, हम लोग नॉर्मली भाई बोलते हैं, ब्रदर बोलते हैं, लेकिन मुंबई में लोग क्या बोलते हैं? भाऊ। तो यार, मैंने मैक्सिमम ट्राई किया है कि इसमें सारे के सारे लोकेशन को मैं इसमें ऐड कर सकूं। यदि कोई लोकेशन छूट गया है तो नीचे कमेंट्स में लिखकर मेंशन करना, और मुझे बताओ कि अगली बार आप कौन से सिटी या स्टेट के बारे में जानना चाहते हो, उसके ऊपर मैं डूडल बनाऊंगा। तो वीडियो कैसा लगा, आप एक लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय।